अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। आज की रेसिपी है साग। आप बोलेंगे कौन सी साग? मैंने मूली की साग की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी और ये बहुत ही यम्मी बनती है, तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए आगे आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताते हैं। इस तरह से हम मूली लाते हैं मार्केट से, और अभी ठंडी के मौसम में बहुत ही फ्रेश फ्रेश मूली आती है और साथ में पत्ता भी दिया जाता है। अगर आप ताज़ी ताज़ी मूली लाते हैं, मेरी फ्लैट के नीचे में ही एक गार्डन है, मैं वहीं से लाई हूँ और पूरी फ्रेश फ्रेश ही इसकी पत्ते हैं और बहुत ही हरी हरी है, तो मूली भी काफ़ी अच्छी है। तो इस मूली को साग बनाएंगे। तो चलिए देखिए कितनी अच्छे से पत्ते हैं, और मैंने इस पत्ते को अच्छे से वॉश करके ले ली हूँ और मूली को भी मैंने अच्छे से धो करके रखी हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह से मूली आते हैं तो बेस्ट ना करें, इसे अच्छे से एक डिश बनाएं। तो इस तरह से हम एक छिले ले लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ताज़ी ताज़ी पत्ते हैं और बहुत ही खिले खिले पत्ते हैं। तो इसे जो मोटी वाली डंठल है इसे हम कट करके साइड कर देंगे, यानी हटा देंगे, और इसे हम काट लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। थोड़ी मोटी भी रहेगी तो चलेगा, क्योंकि इसे मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। अब वीडियो पे बने रहेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और एक अच्छी सी डिश बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मैंने देखिए इस तरह से सारे पत्ते को कट कर ली हूँ, और कट करने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने पत्ते को भी वॉश करके रखी थी और इसे साग को भी वॉश कर लेंगे और इसे कुकर में डाल देंगे। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो कोई भगोना ले लें और उसमें डाल लें। तो इसे हम डाल देंगे, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और कमेंट करके बताएं ज़रूर, और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये छोटी मोटी डिश जो हम लाते हैं मूली और वेस्ट कर देते हैं उसे वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये है नमक, इसे मैं छोटी चम्मच से एक चम्मच नमक डाले हैं, और इसी को कुकर को बंद कर देंगे। और मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ क्योंकि साग को मैंने धोई थी, तो ऑलरेडी इसमें थोड़ी बहुत पानी होगी। और देखिए मैंने इसमें दो सीटी लगाई हूँ और ये इस तरह से साग सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं, और इसे मुझे पूरा कुक नहीं करना है। और ये मूली के साग इस तरह से गलाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इस तरह की डिश आपने कभी बनाया या नहीं बनाया अब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं अपने घरों में रहते थे तो मेरी मम्मी लोग ने ये डिश बनाती थी, तो मैं भी आज ट्राई की और अच्छी लगती है ये ठंडी के मौसम में। और ऐसे भी हर चीज़ तो महंगाई है, मूली भी महंगा है, तो मूली का पत्ता क्यों फेंका जाएगा, उसके पत्ते को भी यूज कर लेते हैं। गांव में मूली ही सिर्फ अगर 1 केजी मांगे तो मूली ही सिर्फ दिया जाता है, यहाँ पत्ते के साथ दिया जाता है। तो ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दी थी, और 2 मिनट में थोड़ी सी ठंडा हो गई है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुई पर फिर भी ये पीसने के लायक हो गई है। तो इसे हम एक ग्राइंडर जार में रखेंगे और इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम फेंक देंगे। तो देखिए बिल्कुल थोड़ी सी ही पानी है, इसे हटा देंगे।
और ये बिल्कुल एक पेस्ट बन के हो गई रेडी। तो देखा आपने। और चलिए इसे हम तड़का के लिए लगाते हैं और इसके तड़का की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, और इसमें साथ में इसको गरम करने दें कर लेंगे अच्छे से। साथ में ही डाल देंगे इसमें प्याज, दो मैंने सूखी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़ा कर लिए हैं, और ये लहसुन और हरी मिर्च की कूट करके मैंने ली हूँ। दो से चार लहसुन की कली थी और चार हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है दर दरा सा, इससे साग में अच्छी टेस्ट आती है। अब चाहे तो कट करके भी रख सकते हैं, पर कूटा हुआ जो होता है उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में ही डाल देंगे हरी रेड मिर्च सॉरी लाल मिर्च, और इसे भी फ्राई कर लेंगे। और साथ में डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च की दरदरा सा कूटा हुआ पेस्ट, और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये अच्छे से इसे गोल्डन कर देंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, इतना करेंगे ताकि इसका सुनहरा सा कलर आ जाए। अब ये देख सकते हैं इसकी कलर कितनी अच्छी सी आ गई है। तो अब हम डाल देंगे इसमें जो मैंने साग को पेस्ट बना करके रखी थी उसे, और इसे डाल करके चला देंगे। और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। जैसे हम सरसों की साग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगती है, थोड़ी सी कड़वा लगेगी पर डिश अच्छी बनती है। किसी भी चीज़ को ट्राई करने से और बनाने से बहुत ही अच्छी बन जाती है, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको भी ये अगर पसंद आए ये रेसिपी आपको, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैंने दोबारा से बोल दी क्योंकि आप भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, इसलिए। और इसे मैंने 2 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पे मैंने पकाई और ये अच्छी सी मेल्ट हो गई है। और चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये साग बन के रेडी हो गई है। इसे चावल के साथ ज़्यादातर अच्छा लगता है। साथ में मैंने प्लेट को सजाने के लिए मैंने मूली हरी मिर्च रखी हूँ, और इसके साथ में ये अच्छा भी लगता है। मूली हरी मिर्च एंड चावल बहुत ही टेस्टी लग, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।